आज का भारत एक कनेक्टेड जहां है। ई एज के दौर में आधुनिकता की तस्वीर पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का असीम सागर, दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी भी ये भारत का केवल एक हिस्सा है। एक दूसरा पहलू भी है इस भारत का, जहां देश की अधिकतम आबादी रहती है और यहां जीवन वंचित है स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना और आजीविका जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से। आज ये विशाल आबादी देश की प्रगति में छिपी अपनी हिस्सेदारी का इंतजार कर रही है। इन्हीं करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP। अनगिनत संभावनाओं से लैस और देश के कोने कोने में फैलता NEGP अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक ऐसी ई क्रांति जो 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में समाज के हर तबके के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। NEGP का उद्देश्य है सभी सरकारी और कई आवश्यक गैर सरकारी सेवाओं को आम आदमी के द्वार पर उपलब्ध कराना। आम आदमी की ज़िंदगी इस तरह से आसान हो चुकी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो उनका टाइमिंग जाता था ट्रांसपोर्टेशन में कि भाई यहाँ से ऑफिस जाना है तो तहसील बहुत लंबा होता है था और वहाँ पे भी फिर उनका वो होता था कि भाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती थी। कोई चीज़ अगर उनको लेना है जैसे कि 7-12 लेना है तो एक लंबी लाइन में उनको टाइम में जो है तो खड़ा करके वो लेना पड़ता था। अभी उनके घर के पास CSC चालू होने से जो है तो बहुत आसानी से उनको 2 मिनट के अंदर वो चीज़ मिल जाती है जो वो 1 घंटा 2 घंटे या फिर 4 घंटे या दिन भर भी उनका उसमें खर्च होता था वो हिसाब से। दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ अनेक सेवाओं को उचित कीमत पर आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो सके। हम कहीं आते जाते नहीं है, हम भुजगर आदमी है, हमें कोई पता नहीं। अब यहाँ आ गए हम, हमारी पेंशन मिल जाएगी, हमारे खाते में आ जाएगी। हमारे गांव में केंद्र खुल गया है, बहुत सुविधा हो गई है। नागरिकों पर केंद्रित इस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कई मिशन मोड प्रोजेक्ट्स और विशिष्ट प्रयोजन सुनिश्चित किए हैं। ग्रामीण भारत के हर कोने तक सेवाएं पहुंचाने के लिए इस सहयोगी ई गवर्नेंस मॉडल को भागीदारी की जरूरत है। केंद्र, राज्य सरकारों, मंत्रालयों, विभागों, NGOs, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स और उद्यमशील ग्रामीण लोगों के बीच NEGP की इन सेवाओं के चलते आज आम आदमी को पहले की तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। इनसे समय भी बचता है और बार बार आने जाने का खर्चा भी। उदाहरण के तौर पर आइए देखते हैं कुछ ऐसी ई सेवाएं जिन्होंने नागरिकों का जीवन ही बदल दिया है, जैसे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट नाउ डिलीवर सर्विसेज टू एप्लीकेंट्स इन अ रेडिकली न्यू वे। The first and foremost is the way we have set up our appointment system. Once an applicant gets an appointment, he is clear in his mind that the day and time he has to approach the passport seva kendra. The second way is the way we have brought transparency into the whole system. The entire processing of the file now takes place in front of the applicant, and when he leaves the passport seva kendra, he is completely clear in his mind as to the decision that has been taken on his file. इस साल मुझे अपने बेटे का पासपोर्ट दोबारा बनवाना था और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे सारे पिछले तजुर्बे जो पासपोर्ट बनाने में हैं वो बहुत ही मुसीबत से भरे थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें सब कुछ इजी है। तो हमने खोला और वाकई उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ था। तो हम रजिस्टर करके फॉर्म भरा और पता चला सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें, वो एनएक्सचर IBCD ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 1-2 चीज़ मांगी थी जो हम अपने हाथ में लेके अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचे तो मैं ITO वाले ऑफिस में गई थी और वहां भी सब कुछ बदला हुआ है, बिल्कुल नया तरीके से सब चीज़ ऑर्गेनाइज करी थी। कस्टमर केयर ऑफिसर्स वहां खड़े थे और वहां पे सब साइंस लगे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कहीं भी जाने में, चाहे
वहाँ लोग गांव से आए हुए हैं, कहीं से आए हुए हैं, सबको आराम से डील किया जा रहा था। तो हम गए ए बी सी डी, एक में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, दूसरे में उन्होंने उसकी फ़ोटो ले ली, तीसरे में कुछ और जो भी पूछना था, और फिर कैश पे करके हम बाहर निकल गए। और पुलिस वेरिफिकेशन हफ्ते में हो गई और 4 हफ्ते में पासपोर्ट घर आ गया। इतना सरल तो मैंने कभी नहीं मेरे लिए हुआ है, तो मतलब मैं तो कहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। आज इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आयकर भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। पहले की तरह लंबी कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं। अब बस इनकम टैक्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरिए, चेक कीजिए कि सब सही है और उसे अपलोड कर दीजिए। बस हो गया आपका रिटर्न फाइल। आपके ईमेल में एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, इसका प्रिंटआउट लेकर साइन कीजिए और बेंगलुरु में इनकम टैक्स सेंटर के पते पर भेज दीजिए। आपके रिटर्न्स का भुगतान और रिफंड का क्लेम भी ऑनलाइन ही हो जाता है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और प्रीवियस ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत ही झंझट था और बहुत ही असुविधा थी। घंटों लाइन में लगना, पेपर वर्क और ट्रैवलिंग कम्यूटिंग, इसमें काफ़ी समय लग जाता था और बड़ी असुविधा थी। रिफंड लेने में भी बहुत देरी लग जाती थी। तो मैंने अपने सीए के ऑफिस में आया और आज ई फाइल किया है। ई फाइलिंग में आधा घंटा में मेरा सब काम पूरा हो गया और सारे कागज कंप्लीट हो गए। और ये जो सुविधा है ई फाइलिंग, ये बहुत ही उपयोगी है और मैं तो ये सबको इसका प्रयोग करना चाहिए। ई फाइलिंग हैज वेरियस एडवांटेजेस। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद द इनकम टैक्स एंड यू कैन फाइल योर रिटर्न ऑनलाइन बाय फिलिंग योर इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉर्म एंड यू कैन मेक अ फाइल XML फाइल विच वी कॉल इट एंड यू कैन अपलोड इन द इनकम टैक्स वेबसाइट। Thereby, you need not go to the income tax department and stand there in a queue for your turn. So that hassle is gone now. You can file online, and whenever there is a problem or there is an incomplete information, the file does not get uploaded there. Krishnagiri district is a pilot E district in Tamil Nadu, and we do it in 2 departments, like in revenue and social welfare. And we have around 337 villages. In 337 villages, we have 221 PCCs. So through this, the time is saved and paper is saved. The trouble and money and time for the applicant is also saved. He need not go to the taluk office and doesn't need to spend any money for acquiring, getting any certificates. So by this way, the E district is very much helpful to the public and the people. The success factors for the CSC project in Nanded would be starting all important G2C services through the CSCs, which include caste certificate, income certificate, domicile certificate, etc. Number 2, the land record availability through CSCs. The land record, which is a very important document for the farmer, is available through the CSCs as all the data is available online. And the third and last success factor is availability of B2C services like rail reservation, insurance premium payment, electricity bill payment, etc. अधिक से अधिक लोगों तक बैंक, बीमा और आसान ऋण जैसी आवश्यक सुविधाएं पहुंचा के NEGP आज फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। हम लोग का भी इतना सुविधा हो गया कि जैसे सप्ताह में पैसा मिलती थी जाते थे ब्लॉक, भाड़ा बता लगा काम छोड़कर जाना पड़ता था। जो अभी हफ्ते में एतवार हो चाहे कोई भी दिन में 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक बैंक अति पैसा मिल जाती है, मतलब पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती हमें। आज देश के कोने कोने में फैलते सार्वजनिक सेवा केंद्र ई गवर्नेंस के अंतर्गत सेवा वितरण की जीवन रेखा है। फिलहाल 1 लाख से भी अधिक CSCs स्थापित हो चुकी हैं। ये CSCs शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सहभागिता तथा कई और सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को ग्रामीण भारत के नागरिकों तक पहुंचाकर उनका जीवन बदल रहे हैं।
जिला स्तरीय सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, कल्याणकारी योजनाओं पर जानकारी और खसरा खतौनी की नकल सीएससी द्वारा ग्रामीण जनता को अपने ही पड़ोस में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। सीएससी के अलावा एनईजीपी ग्रामीणों के जीवन सुधार की ओर और भी कई ठोस कदम उठा रहा है। अब तक समूचे भारत में 1500 से अधिक सेवाएं करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को दूर दराज तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज आधुनिक अस्पतालों और गांवों के बीच की दूरी खत्म हो रही है। नवीन किफायती टेक्नोलॉजीज द्वारा अब आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं और विशेषज्ञों की सलाह दूरस्थ इलाकों के लोगों तक पहुंच रही हैं। एनईजीपी ने कई ऐसी पहल की हैं, जिनसे ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा की पहुंच फैल रही है। सस्ते कंप्यूटर्स और मल्टीमीडिया कंटेंट के तालमेल से एक पढ़ी लिखी नई पीढ़ी की परवरिश हो रही है। आज आसानी से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज ग्रामीण भारत में एक नई हरित क्रांति ला सकती हैं। जमीनी स्तर पर कई पहल हो रही हैं, जैसे एसएमएस अलर्ट्स द्वारा किसानों को खेती और मौसम से संबंधित सलाह और किसान कॉल सेंटर जो टोल फ्री नंबर द्वारा किसानों की सेवा में हाजिर है। इस कॉल सेंटर पर आप प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक देश के किसी भी कोने से और किसी भी दूर संचार के उपकरण की मदद से अपनी ही भाषा में संपर्क कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए इंटरैक्टिव व्यावसायिक सेवाओं और सलाह जानकारी वाले डोमेन्स देश भर में फैल रहे हैं। व्यापार को बढ़ावा देना एनईजीपी का एक और बड़ा उद्देश्य है। आज देश के कोने कोने में बसी कंपनीज अपने ही द्वार पे ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन टैक्स भुगतान जैसी गवर्नमेंट टू बिजनेस या G2B सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। स्पष्ट है, इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की सफलता के लिए अनेक स्तरों पर सेवा वितरण की आवश्यकता है। इन सब के मेलजोल से दूर दराज में बसे नागरिक कई सेवाएं और सुविधाएं कहीं भी कभी भी पा सकते हैं। समय और दूरी की बाधाएं अब निरर्थक हो रही हैं। वास्तव में आज एनईजीपी संपूर्ण भारत में प्रगति की नई छवि बना रहा है। सफर शुरू हो चुका है एक संपन्न, ऊर्जावान, शक्तिशाली भारत की ओर, जहां सभी के लिए अनगिनत अवसर होंगे। देखो, उज्जवल भविष्य आज क्षितिज पर है। NEGP, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए।